कांग्रेस के चार नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर पार्टी के रुख के विरोध में बृहस्पतिवार को पार्टी को इस्तीफा दे दिया। पंजी कांग्रेस ब्लॉक समिति के अध्यक्ष प्रसाद ओमनकर, उत्तर गोवा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रमुख जावेद शेख, ब्लॉक समिति सचिव दिनेश कुबल और नेता शिवराज तारकर ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कहा कि वे सीएए का समर्थन करते हैं। ओमनकर ने कहा कि गोवा एक शांति प्रिय राज्य है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएए को लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया गया। ओमनकर ने कहा सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की चिंताओं की बात की गई। इन देशों में बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसा कर सकेंगे।